गाइस वेलकम यू ब्लॉग। मैं उठ गया हूँ, उठने गया हूँ गाइस, में मुझे उठाया गया है। इन्होंने गेट खोल खोल के मेरे को उठाया गया है। मेरे रूम में इतने चक्कर काटते, ये सुबह पहले ये सोने नहीं देते मेरे घर वाले मेरे को यार, छुट्टी वाले दिन यार बताओ। तो गाइस मैंने आपसे कल एक प्रॉमिस किया था कि पिज्जा बनवाऊंगा, तो गाइस मैं पिज्जा बनवा रहा हूँ, अभी देखना आप पिज्जा बनेगा। गाइस बस तैयारी चल रही है एकदम सुपर फास्ट, अभी बन के रेडी हो जाएगा। नीरज देख ले, सिनेमैटिक दे रहा हूँ, नीरज देख। अच्छा तेरे रेडी होने वाला है, थोड़ी देर में कुकर पे चढ़ा देंगे उसको। ये दोनों सफाई में लग रहे हैं गाइस, इस रूम की नहीं हुई थी। और शादी का कार्ड मिला है गाइस, जरूर जरूर आना मेरी शादी में। ये लो, ठीक है गाइस, मिलते हैं। ये लो, मस्त तो लग रहा है। अब देखना, अब देख तू, अब देख, क्योंकि मैं बहुत दिन से तेरा पत्ता कट करने में था। क्योंकि पिज्जा क्या है मेरे भाई, मजा आ जाएगा खा के। अब तू खुद देखना कैसा है, तू खुद देख इसमें पनीर वनीर दिख रहा होगा, देखो खुद देख यार। यार नीरज यार, तुमने दगा कर दिया था उस दिन, तो अब मेरे भाई अकेला खाऊंगा ही। भाई की शौक नीरज बहुत तगड़ा बना है यार, सही में बहुत तगड़ा बना है, बहुत ही तगड़ा। मजाक नहीं कर रहा, हटके है बिल्कुल हटके। वो वैभव के घर बनाते हैं, उससे भी बहुत तगड़ा बना है। जो खाते हो तुम पिज्जा हट वाला, वो बताना कौन सा। कम टू गाइस, आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, काम पे आ गया संडे था, फिर भी ये हो गए ऑक्सीजन का गाइस। और ये पता नहीं क्या होता है, वैक्यूम होता है वैसे तो ये, लेकिन मुझे पता नहीं अभी तक होता क्या है, इससे नए नए हो ना। तो गाइस वापस आ गया हूँ घर पे। अरे आज मेरे साथ बहुत बड़ी बीटी हो गई, बीटी बोलते ना, बीटी हो गई, चालू है ना। हाँ मेरे साथ बहुत बड़ी बीटी हो गई। क्या हुआ कि एक पेशेंट था, वो सो रहा था, उसने अपने ऊपर कंबल डाला हुआ था। मैं गया उसकी बीपी लेने, तो भाई एक हाथ में उसके कैनूला लग रहा था, तो मैंने सोचा दूसरे हाथ से करते हैं, ये तोड़ा है इसके चल रहा है कैनूला वगैरह। तो मैं दूसरे हाथ पे गया, वो अंदर था उसके हाथ। तो मैंने उन अंकल जी से बोला कि अंकल जी हाथ बाहर निकालो, आपकी बीपी चेक करूँगा, वाइटल्स लेने। तो अंकल जी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, अंकल जी चुप बैठ रहे। मैंने बोला कि अंकल जी थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा हाथ बाहर निकालो, फिर मैं आपकी बीपी चेक। अंकल जी मुझे घूर के देख रहे यार, मैं देखा यार क्या हो गया है, तो मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं। फिर बोला यार अंकल जी मैंने चादर उड़ाड़ी है, अंकल जी का हाथ ही नहीं था वो वाला। मैंने बोला अंकल जी बीपी रहने देते हैं, बीपी रहने देते हैं, मैं आपकी पैर से ले लेता हूँ बीपी, पैर से भी ले लेते हैं वैसे गाइस। अच्छा ठीक है, कई बार पेशेंट में होता है पैर, लेकिन मैंने नहीं ली कभी भी। फिर मैंने वो दूसरे हाथ से चेक कर ली, लेकिन वो देखा ना जी ठाकुर जय सलाम ऐसे कर रहा था, फिर मैं उसके सामने ऐसे गाइस मजाक कर रहा हूँ, मजाक करने की बात नहीं। गाइस मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने अब, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे, मैं कटवा ही नहीं रहा था कि दिवाली आई तो कराने जा रहे हैं। नीरज को उठा लिया मैंने, ये नहीं कराएगा लेकिन गरीब है, बाटा है कटिंग। गाइस देखो बड़े बाल हो रहे हैं रूठ रहे से, अब देखना तू कटिंग जो करवाऊंगा फेशियल। उसके लिए अंडर ट्री बार्बर की चले, नहीं नहीं अमीर वाला में अंडर ट्री बार्बर नहीं, महंगा है वो, महंगा है ना भाई, इसके जाएंगे फेशियल। इसको जानते हो क्या आप, इसको ये हमारे साथ गया था, ये राम मंदिर के वहाँ यही वो यहाँ पे मिल गया हमारे को, ये अभी नाटक कर रही है, ये बैठ गया कटिंग करवाने के लिए, नहीं तो ये खड़ा था। ऐसी कटिंग बताओ, बढ़िया सी कटिंग करवा ले, पूरे बाल उड़वा दे, अच्छे लगेंगे। ये तेरा लुक है ना, देसी लुक बोले छोरियां ने, है क्या। मैं करवा लेता हूँ, देख पहले जैसे नॉर्मल कर लेता हूँ इधर से।